युवराज सिंह ने धोनी को क्यों नहीं रखा अपनी? अरे उसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की भाई यार, वो टीम दिखाना उसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की। एक मिनट, धोनी पाजी के लिए मैंने धोनी को नहीं कौन सी बड़ी बात है इतनी? एक सेकंड, आप अभी से इतने टच क्यों रहे? बौखला क्यों रहे? युवराज सिंह ने ऑल टाइम 11। अच्छा ये मेरे को फॉर्मेट बता दो एक बार, ओडीआई कैसे बता आपको? नहीं लेकिन ऑल टाइम जो हमने पढ़ाया वो ओडीआई, और जितने प्लेयर है वो सारे ओडीआई प्लेयर। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा वन डाउन कहां से आ गया वैसे तो ये समझ नहीं आ रही। ओपन कर ले रोहित शर्मा वन डाउन, विराट कोहली चार नंबर, गलत है, अरेंज नहीं है टीम, अरेंज नहीं। एबी डिविलियर्स पांच, अरेंज भी कर लेगा तो अभी सचिन और रिकी पॉन्टिंग को किसको बताएगा? अरे रोहित सचिन रिकी पॉन्टिंग तीन या विराट तीन पॉन्टिंग चार, हुई बात? नो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एडम गिलक्रिस्ट को रखा है कीपर, शेन वॉन, मुरलीधरन दोनों, ग्लेन मैग्रा, वसीम अकरम ठीक है, एंड्रू फिल्टॉफ कहां आ गया मेरे को समझ नहीं आ रही। ऑलराउंडर फिल्टॉफ कहां रख लिया भाई को? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अबे तो फिल्टॉफ ग्रेटेस्ट में कहां आ जाएगा? कोई ना रखता फिल्टॉफ, कैलिस हो सकता है, कैलिस से बड़ा तो नाम ही नहीं कोई। खैर युवराज सिंह ओपिनियन, फिल्टॉफ तो अजीब सी बात है, लेकिन देखो एडम गिलक्रिस्ट और धोनी इनमें एक ही को आप रख सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है कि एडम गिलक्रिस्ट को भी बहुत लोग रख सकते हैं। हाँ। भाई जेन्युइनली पूछो हमारी टीम में, अगर आप सबको पूछो भाई एडम गिलक्रिस्ट या धोनी, इवन स्पोर्ट्स चैरी के 15-20 लोग, तो हो सकता है उसमें से भी 5-6 लोग बोल दे एडम गिलक्रिस्ट, 10 में 15 में से 10 बोले धोनी, लेकिन 5 बोल सकते हैं एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूं चॉइस बड़ी मुश्किल है धोनी और उसमें से एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट भी आप रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, गिलक्रिस्ट को चुनूंगा, गिलक्रिस्ट को भी चुन सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जहर और विकेट कीपर भी बहुत अच्छा है और खिलाड़ी भी बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा डिसमिसल एज अ विकेट कीपर उसके, वही है कि आप या तो धोनी को चुनेंगे या गिलक्रिस्ट। अच्छा ऑल फॉर्मेट होगा तब तो एडम गिलक्रिस्ट ही आएगा, डिविलियर्स भी अगर ऑल फॉर्मेट होगा, टेस्ट होगा तो फिर तो गिलक्रिस्ट को ही लोगे आप। लेकिन चलो अभी क्योंकि ओडीआई की बात हो रही है, शायद मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये ऑल फॉर्मेट की टीम दी है? शायद ये ऑल फॉर्मेट ही है जिस तरीके से प्लेयर, अगर ऑल फॉर्मेट की टीम दी है तो फिर तो कीपर गिलक्रिस्ट को रखना कोई जाती नहीं है, लेकिन धोनी यूवी धोनी को ना रखें ये थोड़ा सा, और रोहित शर्मा को भी रखा हुआ है, नहीं रोहित शर्मा फ्लिंट ऑफ को रखा ऑल फॉर्मेट की बात है तो ओडीआई वगैरह में तो रोहित आएंगे ना, कह रहे हैं फ्लिंट ऑफ में ऑल फॉर्मेट ही है, ऑल फॉर्मेट में रोहित कहां से आ जाएंगे? क्यों ओडीआई में आप रखोगे? टेस्ट मैचेस ऑल फॉर्मेट का मतलब था टेस्ट T20 ओडीआई, टेस्ट में यार T20 में भी रन तो है उनके, ऐसी बात तो नहीं है ना बीच में आके, मैं तो बोल ही नहीं रहा ऑल फॉर्मेट T20 आप भी रन है उनके, आप तो आके मुंह पे मारूंगा मुक्का ऑल टाइम में, रोहित शर्मा आएगा टेस्ट में तो नहीं आएगा, टेस्ट में तो नहीं आएगा ओडीआई में, नो डाउट अबाउट इट रोहित शर्मा आ सकते हैं, T20 में भी चलो धक्का मार के कुछ ना कुछ करके आप ला सकते हो, पर्सनल चॉइस है, टेस्ट मैच में तो मतलब ही नहीं है। और फॉर्मेट में भी अगर बात हो रही है कि सारे फॉर्मेट की बात है, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ज्यादातर लोगों की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट 11 में, ना रोहित शर्मा ना फ्लिंटॉफ, फ्लिंटॉफ कहां से आ गया है? ऐसे तो मैं डिविलियर्स को भी ना रखूं, डिविलियर्स के रन है, टेस्ट में भी नहीं, एक सेकंड रन है तो मैं फिर ऑल टाइम अगर मुझे बनानी है तो ये संगकारा, जयवर्धन, ये सारे फिर वो कीपर स्लॉट है। आप देखो अलग 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 चीजें हैं, इन्होंने डिविलियर्स डिविलियर्स को जस्टिफाई, वैसे तो डिविलियर्स भी शायद जस्टिफाई सब इन इस पूरी लेवल में सब हर कोई जीता हुआ है, क्या जीता है डिविलियर्स अगर उस बेसिस पे चले, वो अलग बात है यार, बाकी तो जीते वो तो जिता देंगे, पार्थिव पटेल वाली बात होगी ना मुंबई इंडियंस में, लेकिन ये है कि एबी डिविलियर्स चलो फिर भी जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन फ्लिंटॉफ कहां से आ गया? चलो रोहित को आपने रख लिया, महान प्लेयर है वो, कोई डाउट नहीं आप रख सकते हो, लेकिन फिर आपने धोनी के साथ जाती तो करी है, तो दिखाया आपने धोनी के पास, देखो धोनी सिटी जितवा चुका है, कोई ऑस्ट्रेलियन हो क्या वो, ये पता क्या किया इन्होंने, जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन से पूछा गया कि आप ऑल टाइम 11 बनाओ और उसने पॉन्टिंग को छोड़ दिया, हाँ ये बात तो है, सच बात यही है, ये बात है, या उसने गिलक्रिस्ट को छोड़ दिया, किसी भी ऑस्ट्रेलियन से पूछोगे तो वो गिलक्रिस्ट को बाहर नहीं रखेगा, किसी इंडियन से पूछोगे तो वो धोनी को बाहर क्यों रखेगा यार? पांडे जी को युवराज ने भी खुद स्पष्ट किया है ये चीज,
कि हम दोनों उतने अच्छे दोस्त नहीं है और कहीं ना कहीं वो जो दोस्ती की बात दोस्ती की बात तो अलग है लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक कहां गया इसमें से भाई हर चीज एक से ये कहीं ना कहीं मेरिट पे देखो अबे क्रिकेटिंग लॉजिक तो नहीं है इसमें कुछ मेरिट पे धोनी डिजर्व करते हैं बिल्कुल डिजर्व करते हैं मेरिट पे आप ये बताइए क्यों नहीं रखा है आप ये रीजन दीजिए ना आप ये ओपिनियन ओपिनियन मत जाइए ये जानते हैं क्या है अच्छा धोनी ऑल टाइम 11 बनाए तो युवराज को रखेंगे कि नहीं रखेंगे ना क्यों नहीं रखेंगे भाई युवराज उनके की प्लेयर रहे हैं नहीं रखे रखेंगे नहीं, बिल्कुल रखेंगे। 15 में क्यों नहीं रखा एक ऑल टाइम 11 बता रहे हो उसमें रखेंगे तो 15 में क्यों नहीं रखा 2015 में गाया बताइए 2015 में गाया वो 17 में युवराज आके 150 बना रहा है आप देख लीजिए मुझे नहीं लगता युवराज को धोनी युवराज को रखेंगे 2015 में क्यों ना रखा भाई उन्होंने रख लेते तब ऑस्ट्रेलिया में था चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे 2013 चलो जब बीमार हो गए थे लेकिन वापस वापसी हो गई थी 13 में अरे यार तो उसके बाद वैसा फॉर्म दिखा कहाँ था आपको यूवी का आप जो बात कर रहे हैं वो फॉर्म आपको 2017 में जब उन्होंने वो लगभग 150 मारा है उसके पहले तक तो आपको नहीं दिखा था वो चीज यूवी में और ऐसा नहीं था कि यूवी एक मिनट भैया उससे पहले भी चले जाइए देखिए 2016 इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30-20 किसने जिताया आपको याद कीजिए वो छक्का छोड़ा हमारा मैं ये बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा को पता है आपको धोनी ने कितने चांस दिए हैं बहुत चांस दिए हैं मिडिल ऑर्डर में जब वो खेले हैं कितना ज्यादा वो खेले हैं जब ना 6 साल मिडिल ऑर्डर में खेले 2007 से 2013 तक स्टक विद रोहित शर्मा उनको भरोसा था और फाइनली जाके उन्होंने प्रूव भी करा रोहित शर्मा को डाउट नहीं है तो यार यूवी तो प्रूवन प्लेयर थे और नहीं तो अगर उनका टाइम थोड़ा बुरा आया था नहीं नहीं एक कर लेते धोनी को जितवाने में सबसे बड़ी भूमिका तो युवराज की थी बड़ी मैराथन टूर्नामेंट 2007 एक बात बताऊं रोहित शर्मा को रखने के पीछे की वजह थी कि वो आपका फ्यूचर बन सकता है और हमेशा से धोनी ऐसा कैप्टन रहा है ना वो फ्यूचर देख के चलता है अगर आप एमएस धोनी मूवी भी देखो ना उसमें जब बात चल रही थी ना तो उसमें वो यही बता रहा अच्छा, था कब तक का फ्यूचर अपना अभी अभी तक चल रहे आईपीएल में क्या 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 यूवी का फ्यूचर देख रहे हैं उनकी यूवी की रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन उनके साथ उन्होंने स्टिक करा कि फ्यूचर था चलो धोनी ने सिर्फ अपने आप को फ्यूचर देखा अकेले क्या बता गंभीर को निकाल दिया अपना फ्यूचर क्यों देख लिया क्यों तो खेले तो अगर रोहित विराट कोहली 2011 फाइनल में 2017 तो सही 2011 फाइनल में जो टीम खेली थी ना सब उसके बाद वो आज तक श्रीलंका के सामने यूवी ऊपर क्यों नहीं आए थे इतने अच्छे फॉर्म में थे यार कुछ तो कर सकते थे चलो खैर वो छोड़िए लेकिन यूवी ने धोनी को ना रखना यार ये तो हैरानी की बात है और इसे मानता हूँ चलो इनकी पर्सनल चॉइस है लेकिन मैं एक तो पहले सबसे ज्यादा मुझे नाम खटक रहा है फ्लिंटॉफ कहाँ से आ गया फ्लिंटॉफ कहां से आ गए और इसमें एक और चीज थी बट फिर भी अगर फ्लिंटॉफ जो कैटेगरी है नहीं फ्लिंटॉफ की जो कैटेगरी है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उसमें सबसे बड़ा प्लेयर आज तक जैक कैलिस हुआ है आता तो वो आता और इसमें एक और चीज थी जब यूवी से पूछा गया ना बाद में कि इसमें अगर आप एक और बारवा 12th मैन अगर आपको रखना हो तो आप किसे रखोगे तो उन्होंने बोला मैं खुद को रखूंगा आप ये मनहूस एंड्रू फिल्टन की जगह खुद भी खेल सकते आप उसको या कैलिस को खिलाना चाहिए था आपको लेकिन अगर आपने वाकई 12वां नंबर अपना रखा तो 11 में आप आ सकते थे ऐसे में कोई डाउट नहीं है लेकिन धोनी को रखना चाहिए था गलत है एज एन इंडियन जैसी भी आपकी देखो मैं इसमें लॉजिक ही देख रहा था मैंने ग्रुप में जो मैसेज किया था कि धोनी को कि वेयर इज लॉजिक नहीं आपने ग्रुप में मैसेज लॉजिक से नहीं खुशी से किया खुशी से किया था सही बात आपके तीन तरफ के मोदी थे आप झूठ मत बोलिए कोबरा यहां पे मैंने यही लिखा था बरगलाइए मत यहां मैंने के भाई के अगर देखो जो लड़ाई झगड़ा है एक भाई बोल रहे हैं कपिल देव को भी नहीं रखा है जो ना खुशी की बात चलो वो तो अलग बात होगी सारे 90s के एरा के प्लेयर हैं कपिल देव तो 70s और 80s के एरा के थे लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि भैया क्रिकेटिंग लॉजिक वाइज एज एन इंडियन जो आपने परफॉर्मेंसेस दी जिस कैप्टन के अंडर थी चलो रोहित शर्मा नहीं लेकिन बड़े मेन जो आपके धोनी का बनता था
नो डाउट धोनी का जो है वहां पर बनता था भाई, माही होता तो बहुत मारता भाई। मैं अगर ऑल टाइम प्लेयर भाई, आप कोई भी हिंदुस्तानी अगर एक मिनट सुनिए सहन कर लीजिए, मैं सहन मुझे कोई हैरानी नहीं। अरे भैया कोई भी हिंदुस्तानी सुनिए पहले आप, इस वक्त पे ना एमएस धोनी ना कई बड़े ओहदे का प्लेयर है, वो सचिन के इक्वल में आता है अभी अगर देखा जाए एक तरीके से, तो महेंद्र सिंह धोनी कौन कह रहा था सचिन के इक्वल में, तो कोई टीम में रखे नहीं, कौन कह रहा था सचिन के इक्वल में आता है, कौन रहा है बात नहीं, ये बात कह कौन रहा है सचिन के, यहां भी कह रहे हो और मैं तो नहीं कह रहा यार, भगवान की तरह पूज रहे हैं आज उस बंदे को लोग। एक मिनट, सचिन को नहीं पूजा? बिल्कुल पूजा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात प्रूफ, सचिन को भी तो आज तक बिल्कुल पूज रहे हैं। सचिन के लेवल का आप कहां लेवल से का कहां से हो गया, मैं बोल रहा हूं अगर एक तरह कप्तान बोल सकते हैं आप, कप्तान तो खैर अलग लेवल के, मैं भाई आज उस बंदे की उतनी हैसियत है, उस बंदे ने उतना अपने आप को बनाया उस लेवल पे ना कि आज इसमें से ऐसे कई नाम होंगे ना जो आज के बच्चे ना जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, जो बड़े नाम होंगे जो ये लॉकडाउन किड्स जिन्हें हम बोलते हैं ना जानते भी नहीं होंगे, पर आज भी ना जब 10 साल वही तो बात हुई थी ना, इसीलिए तो इंडियन टीम को ट्रॉफीज किसने जीती बहुत बढ़िया पॉइंट आपको बताता हूँ, जो आप भगवान की बात कर रहे हो ना, इसीलिए धोनी गंभीर जहीर खान युवराज ये सारे लोग बोलते हैं, ये सारे लोग जिनको मक्खी की तरह बाहर निकाला ना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और ये भगवान, क्योंकि क्रेडिट उधर ही चले गया सारा यार, सबकी जो थी क्रेडिट उधर ही चले गया, इन लोगों को कुछ नहीं मिला, एक मिनट इन लोगों को कुछ नहीं मिला, ये बात इसीलिए 2024 इसीलिए धोनी को इन्होंने नहीं रखा। एक मिनट, जब हम 2024 की बात करेंगे तो क्या हम बोलेंगे कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और जितने आपकी ग्यारह की बात होगी, हम बोलेंगे रोहित और उसकी टीम जिताया तो वही बोला जाए। एक बात, एक बात बोलूं, हार्दिक की बात नहीं हो रही, 2011 में अक्षर की कितनी बात हो रही है, एक बात सुन लीजिए, 2011 में धोनी की नहीं बात हुई, बुमराह की बहुत बात हुई है, विराट की बहुत बात हुई है, सबकी बात हुई है, बात हुई है, इस बार रोहित को बहुत क्रेडिट है, लेकिन धोनी का लेवल अलग ही उसको लाइमलाइट